आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक दुल्हन जिसका मुख्य बिजनेस थोड़े थोड़े दिनों में अविवाहित लड़कों से शादी करना है। जी हाँ, जो लोगों को अपने झांसे में फंसा कर लाखों रुपए की लूट कर नई शादी की जुगाड़ में लग जाती थी। यही नहीं, दुल्हन के नकली माँ बाप और मम्मी पापा जैसे नकली रिश्तेदारों का सीतामऊ पुलिस ने खुलासा किया है। को लेके आया था, किस तरह से इसका खुलासा हो पाया है? जी, एक फरियादी थे, एक पार्टी जो इनके झांसे में आई थी वो सीतामऊ की ही है, भवरलाल दर्जी। उन लोगों ने, उनके 5 बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा अनिल है जिसकी 35 साल की उम्र है, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो सीतामऊ का ही एक आरोपी है मांगीलाल, तब उसने उनसे संपर्क किया था कि मेरे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शादियां सेटी करवाएगा, लेकिन आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। तब उसकी भी बेटों की शादियां नहीं हो रही थी, इसलिए वो राजी हो गया था और 1.5 लाख में इन लोगों की बात पक्की हुई थी। और 23 तारीख को ये लोग आ गए थे, 3 दिन ये मंदसौर में रुके थे किसी लॉज में, और वहां इन लोगों की ट्रेनिंग चली कि किस तरीके से शादी करनी है, किस तरीके से कौन रिश्तेदार बनेगा, और इस तरीके से ये प्लान कम्प्लीट करके 26 तारीख को इन लोगों ने मंदसौर में शादी की थी गायत्री परिवार से। और जो इसके रिश्तेदार बनकर आए थे उन्होंने कहा कि हम कुछ ही दिनों में आपको लेने आ जाएंगे, आप कोई बहाना करके बाहर आ जाना, और पैसे लेके वो लोग फरार हो गए। शादी के बाद कितने दिन रुकी और किस प्रकार से इसने भागने का प्रयास किया? शादी के बाद ये लगभग 6-7 दिन रुकी, और 6-7 दिन के बाद 5 तारीख की रात को 2:30 बजे इसके पास फोन आया होगा कि हम लोग बाहर आ गए हैं, तुम किसी बहाने से निकलकर बाहर आओ। तब ये निकलकर बाहर जाने लगी, तब इसकी किसी हरकत से शायद घर वालों की नींद खुल गई और मौके पे इसको पकड़ लिया, और जो इसे लेने आए थे वो फरार हो गए हैं।